सो हेलो, मैं अभी गोमती नगर से पत्रकारपुरम तक जा रहा था, तो बीच में मुझे एक कैफ़े दिखा जो कि नया है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या है। बोर्ड से लिख के देख के लग रहा है कि आई थिंक दे हैव स्पेशलाइजेशन इन पिज्जा मेकिंग। तो चलिए चेक करते हैं अंदर क्या है। लखनऊ शहर के अंदर पिज्जा लवर्स के लिए ये कैफे एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ की मेन्यू भी बड़ी सिंपल दिखती है, लेकिन हर एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी शामिल किया गया है। यहाँ के पिज्जा की मेकिंग प्रोसेस इस पिज्जा को सबसे यूनिक बनाती है, जो आप अभी देखने वाले हैं। ये वैसे पिज्जा हमारा ओरिजिनल नहीं है, हमने क्या कहते हैं इसको इन्वेंट किया है कस्टमर्स के, उस पर बस लेवल है कि पिज्जा काफ़ी बड़ा हो जाता है एक आदमी के खाने के लिए। ये आपने एक आदमी के लिए साइज, एक आदमी के लिए हमने साइज थोड़ा सा छोटा करके। ये सॉस आपने बनाया है या बाजार से? ये सर हमारा 90% प्रोडक्ट खुद ही बनता है, सॉस वगैरह खुद बनाए, ऑनियंस भी खुद ही के। ये देखिए फर्नेस है जहाँ पे पिज्जा जाने वाला है। यहाँ पे कोई गैस या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती, ओवन वगैरह नहीं है, ये शुद्ध लकड़ी से जल रहा है। देखिए ये नीचे लकड़ियाँ हैं, यहीं पे हमारा पिज्जा बनने वाला है। जब ये चीज़ होगी इसमें टॉपिंग्स क्या क्या जा रही हैं? इसमें अनियन और हॉट पेपर। ये कितना समय लेता है? 1 से 2 मिनट मैक्सिमम। अब अगर टेस्ट की बात करें तो इसका बनाने का तरीका अलग है। लकड़ियों पे सीधे बनाया जाता है, इंग्रेडिएंट्स थोड़े से सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है। डेफिनेटली इसका टेस्ट भी एकदम अलग है। एक्सपीरियंस जो डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट में हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, उस टेस्ट से एकदम हट कर है इसका टेस्ट, ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो यहाँ पे ब्राउनी है आइसक्रीम के साथ देते हैं, ब्राउनी भी ये खुद बनाते हैं और नया है अभी, बहुत सी चीज़ें अभी आना बाकी है, तो देखते जाइए क्या होता है। तो इस कैफ़े के इंटीरियर से लेके इस कैफ़े के पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स तक सिंप्लिसिटी है, येट नो कम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। तो बाकी आप खुद आके एक्सपीरियंस करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।